अलीगढ़ से दिल दहलाने वाली घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, कैसे दरोगा साहब पहले पिस्टल मंगवाते हैं, फिर उसे चेक करने लगते हैं। इसी दौरान दरोगा से गोली चल जाती है और वो गोली एक महिला को लग जाती है। गोली लगने के तुरंत बाद महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही घर वालों ने आरोप लगाया है कि गोली जानबूझकर चलाई गई है। मेरा नाम सिद्रा। सिद्रा क्या, किस काम से आए थे आज आप खुद? पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए सर, कल से कॉल कर रहे थे ये लोग, आ जाइए। फिर आज भी कॉल आई, कितनी देर में आ रहे हैं। मेरी माँ नमाज पढ़ रही थी, उसने दुआ भी नहीं मांगी, चलो पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए। सीधे गोली मारी है। कोतवाली के अंदर नमाज पढ़ रही थी? नहीं, घर पे नमाज पढ़ रही थी मेरी माँ। सीधे आई है, सीने पे गोली मारी, दरोगा ने मारी सीने पे। ऐसी क्या वजह रही थी? दरोगा ने गोली क्यों मारी, क्या वजह रही? वो जो भी कर रहा था, मेरी माँ के सीने पे गोली लगी। क्यों ऐसी लापरवाही करी? उसको कौन सी यहाँ पे फील्ड नजर आ रही? उसने फील्ड में मारनी चाहिए थी, यहाँ पे क्यों मारी? मेरी माँ को मरने के लिए बुलाया यहाँ पे। आपको बता दें, महिला इशरत अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए थाने आई थी, तभी अचानक दरोगा मनोज शर्मा से गोली चल गई और गोली की आवाज़ सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। घटना के बाद से दरोगा मनोज शर्मा फरार है। लापरवाह दरोगा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने के आदेश एसएसपी ने दे दिए हैं। एक दुखद घटना हुई है थाना कोतवाली में। आज लगभग 2:50 मिनट के आसपास एक जो सूचना दी गई है वहाँ के सीओ, वहाँ के एसएचओ द्वारा, कि थाने के सीसीटीएनएस कार्यालय में एक उपनिरीक्षक श्री मनोज कुमार की पिस्टल से, या सरकारी असलहे से, वो भी देखना है, पिस्टल है कि रिवॉल्वर है, उससे फायर हुआ है। और एक महिला जो कि वहाँ पर किसी कार्य से, बताया गया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के कार्य से आई थी और आसपास खड़ी थी, उसके गोली लगी है, उसके हेड इंजरी है और उसको घायल अवस्था में यहाँ अस्पताल लाया गया है। यहाँ इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम द्वारा उसको अटेंड कराया जा रहा है। ऐसे में दरोगा का एक्शन एक महिला की जिंदगी पर भारी पड़ गया। आखिर दरोगा को ऐसी क्या सूझी जो उन्होंने थाने के अंदर ही पिस्टल चेक करने का मन बना लिया। लेकिन सवाल यही उठता है कि पुलिस ने थाने के अंदर पिस्टल की जांच क्यों की और कैसे पिस्टल का ट्रिगर गलती से चल गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और गोली चलने के कारणों का पता लगा रही है।